हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेलर ऐप कैसे यूज करते हैं। यह एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, यहाँ भी आप टिकटॉक की तरह वीडियो अपलोड कर सकते हो और यहाँ पर आपको शॉर्ट जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे इस ऐप को यूज करना है, किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे यहाँ पर वीडियो अपलोड करना है, कम्प्लीट डिटेल आपको दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से ट्रेलर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। सर्च बार में आपको ट्रेलर टाइप करके सर्च करना है, सबसे ऊपर ऐप आ जाएगी, इसका आइकन आप देख लीजिए। आपको यही ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप को ओपन करिए, इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ओके करने को बोलेगा, तो आप ओके कर दीजिएगा ताकि यह ऐप आपके सामने इस तरीके से ओपन होकर आ जाए। अब यहाँ पर आपको सभी के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने भी यहाँ पर पब्लिकली अपलोड किया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो इसके लिए कॉर्नर में आपको अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करिए। अब यहाँ पर देखिए ऊपर आपको लिखा मिलेगा signup/login, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप साइनअप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे अकाउंट क्रिएट करने के लिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, किसी से भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना नंबर टाइप कर देना है और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, और वेरीफाई करते ही आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP डालकर आपको सबमिट भी कर देना है। यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने OTP सबमिट किया तुरंत हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आप एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी जो प्रोफाइल है वो एडिट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हो, ईमेल डाल सकते हो, बायो ऐड कर सकते हो, इंस्टाग्राम की ID यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, उसके साथ साथ आप स्नैपचैट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तमाम ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, आप सभी का यूज कर सकते हो। अगर आप लॉगआउट करना चाहते हो तो नीचे आपको लॉगआउट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप लॉगआउट करना चाहते हो तो लॉगआउट पर क्लिक करके आप लॉगआउट भी कर सकते हो। सब कुछ सही करने के बाद आपको डन का बटन ऊपर मिल जाएगा, आप डन कर दोगे तो जो भी आपने चेंजेस किया है वो सब सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपके फॉलोअर्स देखने को मिल जाएंगे, आपकी फॉलोइंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो भी आप पोस्ट करोगे वो सभी पोस्ट यहाँ पर आपको विजिबल होंगे, यहाँ से आप अपने पोस्ट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर होम पेज पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए सभी के वीडियोज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप किसी को फॉलो करना चाहते हो तो यहीं पर फॉलो का बटन है, इस पर क्लिक करके आप फॉलो और अनफॉलो कर सकते हो। लाइक करने के लिए हार्ट का इमोजी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करिए तो वीडियो लाइक हो जाएगा। कमेंट का ऑप्शन यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके साइड में जो तीन डॉट है अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको शेयर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, फॉलो का भी ऑप्शन मिल जाएगा और रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पर आप वीडियो अपलोड करोगे। तो इसके लिए आपको प्लस का आइकॉन बीच में दिखेगा, इस पर आप क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है म्यूज़िक वीडियो, दूसरा सोशल। अगर आप म्यूज़िक वीडियो अपलोड करोगे तो वो इस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी, अगर आप सोशल वीडियो अपलोड करोगे तो यहाँ पर जो सोशल वाला ऑप्शन है इसमें आपको आपकी वीडियो देखने को मिलेगी। तो हम प्लस पर क्लिक करते हैं, जो भी वीडियो आपको अपलोड करना है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर म्यूजिक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपके सामने जो है म्यूजिक आ जाएंगी, किसी भी म्यूजिक पर आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऊपर सर्च बार भी मिलेगा, तो यहाँ पर आप कोई भी गाना सर्च कर सकते हो और अपनी वीडियो उस पर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको माई म्यूज़िक का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप अपने फ़ोन से भी जो सॉन्ग है उसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका सॉन्ग जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है किस ड्यूरेशन का आप यहाँ पर जो सॉन्ग है वो ऐड करना चाहते हो। तो मैं स्टार्टिंग से 15 सेकंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हो जो टाइमिंग है, तो आपको पेंसिल का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप कम ज़्यादा टाइमिंग कर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पर आप देख सकते हो 18 सेकंड दिया गया है, तो 18 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो शायद आप इस ऐप से नहीं बना सकते हैं। मेरे में तो 18 सेकंड अभी दिया है, तो मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर आपको फिल्म का ऑप्शन दिख जाएगा, अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, तो आप अलाउ कर दीजिए ताकि यह ऐप अच्छे से वर्क कर सके। अब यहाँ पर देखिए जो ऑडियो है हमारा ऐड हो चुका है, यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर जो कैमरे का आइकन है, इस पर क्लिक करके आप कैमरा चेंज कर सकते हो। फ्रंट कैमरा अगर एक्टिवेट है तो बैक कैमरा आप एक्टिवेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको टाइमर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट अगर आप गैलरी से कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो साइड में आपको गैलरी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप गैलरी से भी वीडियो अपलोड कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको इस वीडियो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ऊपर आपको सफल का बटन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर ट्रिम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अगर आप ट्रिम वगैरह करना चाहते हो तो इजीली आप ट्रिम कर सकते हो। ऊपर आपको फिनिश का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जो भी आप टाइटल वगैरह देना चाहते हो यहाँ पर आप टाइटल दे दीजिए वीडियो का, उसके बाद पोस्ट एंड सेव पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी कैटेगरी का आपका वीडियो है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए और डन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस ऐप पर वीडियो अपलोड कर सकते हो।
तो यही है वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी डिटेल थी इस ऐप के बारे में मैंने आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।